अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नया पाकिस्तान इस्लामिक सर्टिफिकेट के बारे में कि ये सर्टिफिकेट्स क्या हैं और इस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है और इसके ऊपर आपको टैक्स कितना देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहें। दोस्तों, नया पाकिस्तान इस्लामिक सर्टिफिकेट मौजूदा गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसके तहत आप US डॉलर और पाक रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये इस्लामिक सर्टिफिकेट्स बाय कर सकते हैं। इसका टेन्योर या इसकी जो मुद्दत है वो 3 महीने से लेके 5 साल तक की मुद्दत के लिए है। और ये बात भी याद रखिएगा कि जिन लोगों के रोशन डिजिटल अकाउंट बने हुए हैं वही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट भी उसी अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र होगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप पाक रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए और अगर आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $5,000 होनी चाहिए। इसके अलावा इस पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस या और कोई इसमें आपकी कटौती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि विद होल्डिंग टैक्स वो काटेगी आपसे 10%। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं 5 साल के लिए तो उस पर $7,000 जो है वो प्रॉफिट सालाना बनता है और उसके ऊपर 10% आपको विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, यानी ₹700 देने होंगे और 6,300 यानी जो बचेगा आपका वो आपका सालाना प्रॉफिट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं पाक रुपीज़ में तो ₹11,000 सालाना प्रॉफिट बनेगा और उस पर ₹1,100 आपको विदहोल्डिंग टैक्स देना होगा। इस तरह ₹9,900 आपको प्रॉफिट बचेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना है यानी इन्वेस्टमेंट पे नहीं देना। इसके साथ साथ जो इसमें अच्छी चीज़ है वो ये कि इनकैशमेंट की भी सहूलत मौजूद है। आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप अपना इस्लामिक सर्टिफिकेट कैश करवा सकते हैं, उसमें से जितना आपका मुनाफा बनता है वो आपको पे कर दिया जाएगा और बाकी रकम जो है आपको वापस कर दी जाएगी एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा दोस्तों, अब हम चलते हैं स्टेट बैंक की वेबसाइट की जानिब जिसमें बताया गया है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के बारे में और मैं इसमें आपको बताऊंगा प्रॉफिट रेट्स के बारे में कि कितनी मुद्दत के सर्टिफिकेट्स के ऊपर कितना प्रॉफिट पे किया जाएगा। तो ये साइट है sbp.org.pk, इस पर आप जा सकते हैं। यहाँ पे तमाम डिटेल्स हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की और हम इसके इस्लामिक वर्जन की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो ये मुदारबा बेस है इस्लामिक वर्जन इसका, जिसके ऊपर कोई सूद नहीं है और आपको हलाल प्रॉफिट मिलेगा जो कि फिक्स्ड है। और कौन कौन से बैंक इसको ऑपरेट कर रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये 8 बैंक हैं, बैंक अल्फला, बैंक फैसल बैंक, HBL, MCB और मीज़ान बैंक, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, UBL। इन बैंकों के ज़रिए आप अकाउंट खुलवा कर, रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा कर आप ये इस्लामिक सर्टिफिकेट्स बाय कर सकते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। अच्छा, अब प्रॉफिट रेट की हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स फीचर्स, द सर्टिफिकेट्स ऑफर द फॉलोइंग अट्रैक्टिव एनुअलाइज्ड रेट्स ऑफ रिटर्न। 3 महीने का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर 5.5% आपको मुनाफा मिलेगा अगर US डॉलर है। अभी हम US डॉलर की बात करें, US डॉलर 3 मंथ्स का 5.50% और 6 महीने का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर 6% प्रॉफिट है। इसी तरह 1 साल का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर 6.50% और 3 ईयर्स के लिए 6.75% और इसी तरह 5 ईयर्स के सर्टिफिकेट के ऊपर 7% प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर हम पाक रुपीज़ की बात करें तो इसके ऊपर जो एनुअल प्रॉफिट है वो 3 मंथ्स के ऊपर 9.50%, 6 मंथ्स के ऊपर 10%, जो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट लग रहा है, और इसके अलावा 1 ईयर के ऊपर 10.50% यानी 10.5% प्रॉफिट है और 3 ईयर्स के लिए 10.75% और 5 ईयर्स के लिए 11% आपको प्रॉफिट पे किया जाएगा। तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स हैं। अगर आप बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन आपको 4 या 5% तक प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स बाय कर लेंगे तो आपको मिनिमम भी जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5.5% से मिलेगा और 6% से लेके 7% तक जाता है US डॉलर में। और अगर आप पाक रुपीज़ की बात करें तो 9.5% से स्टार्ट होता है और 11% तक ये मुनाफा जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपके लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव होगा अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नया पाकिस्तान इस्लामिक सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए और हलाल मुनाफा कमाइए। आज तक की वीडियो में इतना ही। इस बारे में मज़ीद अगर मालूमात आएंगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।